ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। ट्राइब इंडिया के 139वें स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा मसूरी पहुंचे। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को लेकर आज बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। उनके अनुसार आदिवासियों द्वारा निर्मित सामग्री की आज देश विदेश में मांग बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए भारतीय सेवा के प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में ट्राइब्स इंडिया स्टोर के 139वें स्टोर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम की दिशा में यह स्टोर मील का पत्थर साबित होगा और अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश में जगह जगह होने चाहिए ताकि इनको लाभ मिल सके जो इनको बनाने वाले लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश के तमाम जनों को आह्वान किया है, उसी कड़ी में ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हम सब का संकल्प होना चाहिए, उसे हम कैसे सफल बनाएं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो प्रशिक्षण केंद्र है, इस परिसर में ट्राइब्स इंडिया का ये नया आउटलेट्स 129वां आउटलेट्स खुल रहा है, और जिसमें कई ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो एथेनिक है, जो कहा जाए कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और आत्मीय स्वाद के साथ जुड़ा हुआ उत्पाद है। तो इस कैंपस में चूँकि भारत के सभी ऐसे राज्यों से प्रशिक्षु के नाते जो भविष्य के भारत को गढ़ने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं, दिया जाता है, वैसे लोगों के साथ मिल करके कि इस जनजातीय या जो ट्राइबल और ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल प्रोडक्ट है, ट्राइबल लाइफ है, ट्राइबल कल्चर है, उसके साथ कैसे हम इस भारत को वोकल फॉर लोकल और हमारी जो एक परंपरागत व्यवस्था का एक अनुनाश्रय व्यवस्था है, उसको हम कैसे मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भर भारत पर। सर, ये ट्राइब्स इंडिया के जो आउटलेट हैं, आपको लगता है इनको और बढ़ाने की आवश्यकता है देश में? ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, उस मिशन के साथ हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम अब लगातार हमारे सामने आ रहा है। सर, लॉकडाउन के दौरान जो अभी कोविड चल रहा है, उसमें जो आदिवासी जो क्षेत्र के लोग थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब हुई, इसके लिए आपका मंत्रालय भी बहुत सारा काम करा था। किस तरह की योजना है? तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में कोरोना जैसे त्रासदी को भारत ने बहुत संयम के साथ ये कहा जाए कि इस पर विजय हासिल करने की तरफ आगे बढ़ा है, और कई तरह की दिक्कतें ज़रूर आई पर उन दिक्कतों का सामना करने का जो संकल्प शक्ति है बहुत मजबूत था, और इसी दृष्टि से हमें कमियों और खामियों को नहीं बल्कि हमें अपने संकल्पों के प्रति लगातार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।